श्री बाबा रामदेव मंदिर समिति के गिरधारी लाल जी, मुन्नालाल सरगरा, कैलाश जी सरगरा, रामचंद्र जी ने बताया कि विगत 10 वर्षों से हम लोग समाज एवं ग्रामीणों के सहयोग से मंदिर के जीर्णोद्धार कार्य में कार्यरत हैं। अभी और भी कार्य मंदिर का बाकी है। समाज से भी हमें बहुत सहयोग मिला एवं ग्रामवासियों का सहयोग प्रशंसनीय रहा। मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा भगवताचार्य पंडित प्रकाश जोशी श्री श्री विद्या धाम इंदौर द्वारा संपन्न किया गया। मूर्ति स्थापना के सूत्रधार नारायण जी मारवाड़ा के द्वारा बाबा की मूर्ति से लेकर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव तक सराहनीय कार्य रहा, जिसके लिए हम समस्त सरगरा समाज की ओर से नारायण जी मारवाड़ा का आभार व्यक्त करते हैं। बाबा की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में सर्वप्रथम बाबा रामदेवरा रुणीचा धाम से बाबा की पवित्र ज्योति मंदिर महंत श्री उदय दास जी महाराज, गजराज सिंह सरगरा, साधु गेंदालाल जी द्वारा लेकर पिपलोदा धाम पधारे। बाबा की ज्योत का ग्रामवासियों एवं समाज जनों द्वारा पूजा आरती कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। 3 दिवसीय हवन पूजन अभिषेक के पश्चात बाबा को 108 प्रकार के भोग लगाए गए। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न होने के पश्चात पंडित प्रकाश जी जोशी श्री श्री विद्या धाम से पधारे। समस्त ब्राह्मणों एवं बाबा रामदेव मंदिर के महंत उदय दास जी महाराज को प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के सूत्रधार नारायण जी मारवाड़ा एवं परिवार द्वारा वस्त्र भेंट कर व स्वाफा बांधवा कर सम्मान किया गया। इसी के साथ समाज के वरिष्ठ गिरधारी लालजी पटेल द्वारा 68 किलो वजन का शिखर कलश दान किया गया। समाज जन व ग्रामीणों की ओर से उनका भी आभार व्यक्त किया गया। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पमार की ये रिपोर्ट।